खबर जयपुर से, जहां नाबालिग अफीम तस्कर में कोरोना की पुष्टि। अफीम तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि स्टेट क्राइम ब्रांच, स्थानीय थाना और बाल सुधार गृह की टीम को क्वारंटीन करने की फिलहाल तैयारी। स्टेट क्राइम ब्रांच ने किया बाल अपचारी को निरुद्ध। राजधानी जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं। राजधानी जयपुर में एक नाबालिग अफीम तस्कर में कोरोना की पुष्टि यहां पर हुई है। स्टेट क्राइम ब्रांच, स्थानीय थाना और बाल सुधार गृह की टीम को क्वारंटीन करने की इसके बाद तैयारी कर ली गई। स्टेट क्राइम ब्रांच ने इस बाल अपचारी को निरुद्ध किया था। उसके बाद कुछ लक्षण इसमें देखे गए। उसके बाद में जब सैंपल इसका कलेक्ट किया गया, टेस्ट किया गया कोरोना का, तो अब ये बाल अपचारी कोरोना का पॉजिटिव है। स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने इस बाल अपचारी को निरुद्ध किया था। जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, एक नाबालिग अफीम तस्कर में कोरोना की पुष्टि यहां पर हुई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, एक नाबालिग तस्कर में कोरोना का संक्रमण यहाँ पाया गया, क्या पूरी अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जैती, कल जिस तरह परसों के रोज एक कार्रवाई हुई थी, जिसमें जो स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने, उन्होंने डोडा तस्कर पकड़े थे, जो सुपारी की आड़ में ये यहाँ से नशे की जो सामग्री लेके जा रहे थे। जब इस दौरान, घटनाक्रम के दौरान, यहाँ पर चार लोगों को पकड़ा था, जिसमें दो बाल अपचारी भी थे और इसके अलावा दो मुख्य तस्कर थे। जब स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम जब इनसे पूछताछ की, तो उसके बाद किशनगढ़ थाना पुलिस को इनको सुपुर्द किया गया। मगर जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की हुई है कि तमाम जो भी अपराधी पकड़े जाते हैं तो उनका कोरोना टेस्ट होना जरूरी है, तो ऐसे में दोनों जो बाल अपचारी थे उनका कोरोना टेस्ट कराया गया। उसके बाद जब आज रिपोर्ट आई है, तो उसमें बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जो एक बाल अपचारी था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल इसके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यहाँ पर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई की, स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की, और उसके बाद कौन कौन लोग इसके संपर्क में आए, कौन कौन मेडिकल विभाग की जो टीम है वो लगातार उन तमाम जो लोग हैं जो इसके संपर्क में आए, उनके सबके यहाँ पर सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा जो स्टेट क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं, उनको भी यहाँ पर क्वारंटाइन करने के आदेश जारी दे दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस के स्थानीय जो थाना पड़ता है, उसको भी यहाँ पर क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया, चूंकि पूरी कार्रवाई हुई है। उसके साथ में चूंकि दो मुख्य तस्कर भी थे, एक अन्य बाल अपचारी भी था, तो तमाम जो लोग थे इन सबको क्वारंटाइन रहने के लिए फिलहाल यहाँ पर हिदायत दी गई है और उनको आदेश जारी किए गए हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अब जो मेडिकल विभाग की जो टीम है, तमाम जो लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग करवा रही है, और साथ में उन तमाम जो लोग थे जो उस बाल अपचारी के संपर्क में थे, उन सबके यहाँ पर बिल्कुल सैंपल लिए गए हैं। बिल्कुल जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।